बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम बज़्म अदब में मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान नकवी। आज के हम इस प्रोग्राम को इन्हदाम जन्नतुलबकी के नाम से मंसूब करते हैं। 8 शावल 1925 1925 तारीख का सियाह तरीन दिन करार देते हैं, क्योंकि इस दिन नाम नेहाद आले सऊद ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार को मिसमार कर दिया, और ये अफसोस नाक वाक़ा 8 शावाल 1925 को पेश आया। और उस बेटी का मज़ार ताराज किया गया, मिसमार किया गया, जो जिसकी ताज़ीम के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद ताज़ीम के लिए खड़े हो जाया करते थे। आले सऊद की इस शर्मनाक हरकत पर शदीद एहतजाज करते हैं, और हम इराक़ में होने वाले जो अम्बे अकराम की कबूर को जो मिसमार किया जा रहा है और औलिया इकराम की कब्र को जो मिसमार किया जा रहा है, इसकी बेहरमत पर भी शदीद एहतजाज करते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम इसी हवाले से है, और हमारे इस प्रोग्राम में जो मेहमाना निगरामी शरीक हो रहे हैं उनमें हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब पाकिस्तान से शरीक हो रहे हैं, जनाब सलीम बलरामपुरी साहब इंडिया से, और मौलाना शरार नकवी साहब जो है वो भी इंडिया से इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। जबकि हमारे स्टूडियो में आज हमारे प्रोग्राम बज़्मे अदब में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान से आए हुए कराची से आए हुए मेहमान गिरामी जनाब मशहूर व मारूफ शायर अहले बैत जनाब सैयद सरदार अब्बास महशर साहब जो है इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। हम अपने इस प्रोग्राम में जनाब सरदार अब्बास महशर साहब को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। आज ज़ाहिर है जो मैंने शुरू में कहा कि इन्हदाम जन्नतुलबकी के हवाले से और उसके एहतजाज के तौर पर ये प्रोग्राम जो है हम रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, ताकि दुनिया को पता चल सके कि कितना बड़ा सानिया 1925 और 8 शावाल वाले दिन पेश आया और नाम नेहाद आले सऊद ने ये काम किया। और आज हमारे इस प्रोग्राम में खसूसी शिरकत जनाब मुमताज़ आलम दीन रिसर्च स्कॉलर और तर्जुमान मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब शरीक हो रहे हैं। हम अपने इस प्रोग्राम में उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, आप सबको सलाम। साहब, हमारा आज का प्रोग्राम जो है जैसे मैंने शुरू में कहा इन्हदाम जन्नतुलबकी के ऊपर है, और इसी हवाले से जो ये जो सानिया हुआ 8 शवाल 1925 में अजीम सानिया, इस हवाले से हम आपसे इसके बारे में कुछ मालूमात हासिल करना चाहेंगे। जी अल्लामा साहब, आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है। अच्छा, बात ये की क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ साफ नहीं आती। बाहर मैं सबसे पहले तो ताज़ियत पेश करता हूँ तमाम मोमिन जहान को, बल्कि मुस्लिमीन जहान को, क्योंकि आप याद रखें कि जन्नतुलबकी का इंतजाम जहाँ रसूल सलावतुल्लाह अलैहि अजमईन और ख़ासतौर पर जो मंसूब सब्र जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह से जिससे नस्बत दी जाती है वो तमाम रोज़ों पर ढाई गया। उसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि वहाँ अजीम साहब इकराम जिन्होंने हर मैदान में हुज़ूर की आवाज़ पे लबैक कहने वाले साहबा उनके भी रोजे ढाए गए, और उम्मतुल मोमिनीन में से भी कुछ हस्तियाँ और कुछ और मुकद्दस हस्तियाँ जिसमें हुज़ूर के साहबजादे भी शामिल हैं उनके सबके मज़ारात को ढाए गया। तो देखिए, बात यह है कि आले सऊद ने जो कुछ किया था वो बड़ा प्लांटेड था, और आज उसके उनके जो अंडे बच्चे हैं जो कर रहे हैं, अगर उस वक्त आलम इस्लाम ने हमारे आवाज़ में आवाज़ मिलाई होती और साथ दिया होता जिस वक्त ये 1927 में वाकया पेश आया था और वहाबियत के नाम से पूरी यलगार जो है वो नाजिल हुई थी सरजमीन हिजाज पे, और सरजमीन हिजाज को इन्हें अपने बाप दादा की जमीन करार दे के आज लोग समझते हैं सऊदी अरब में, सऊदी अरब तो नाम इन्हें अपने बाप के नाम से रखा है ना, अपनी मिल्कियत उसको करार दिया, उस वक्त पूरा आलम इस्लाम खामोश रहा। अगर उस खामोशी का नतीजा ये निकला की आज नौबत यहाँ तक पहुंच चुकी कि इनके पाले हुए लोग, इनके पालतू लोग, इनके अंडे बच्चे अंबिया अलैहिस्सलाम यानी पैगम्बरान इलाही के रोजों को, जिसमें जनाब शीस, जनाब यूनुस, जनाब शुएब जैसे जलील कद्र पैगम्बर शामिल हैं, उनके रोजों को ढाने की नौबत आ गई। एक और बात जो हम अर्ज करना चाहते हैं कि देखिए, आले रसूल पे मजालिम का सिलसिला जन्नतुलबकी से शुरू नहीं हुआ, ये तो दुख्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलूमियत वहीं से शुरू हो गई थी जहां आपका जनाजा रात की तारीकी में उठाया गया, और ये वाकया सिर्फ हुजूर के विसाल के 3 माह के बाद यानी पैगंबर खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के सिर्फ 3 महीने बाद नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उस खातिमुन्नबीयीन रहमतुल्लाह जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी का जनाजा
रात की तारीखी में सिर्फ जब घर के लोग, खानदान के लोग लेकर जाते हैं और कब्र को छुपाया जाता है उनकी वसीयत के मुताबिक, क्योंकि आगे जो हालात आने वाले थे बनी उमैया के दौर में कि क्या क्या हरकतें होने वाली थी, तो वो पर्दा रखा गया उस कब्र तक का। ये मजालिम की दास्तान यानी वही से सिलसिले की कड़ी थी इन्हें जन्नतुल बकी। लेकिन आज हम जो हर साल आवाज उठाते हैं ना, तो आज देखिए उस आवाज में बेशक 100 साल बाद से ही, तकरीबन 90 साल के बाद से ही, मगर एक असर पता चला और ये चेहरा हर सदी के बाद बातिन के चेहरे से नकाब हटती है। बेशक आज वो नकाब हट गई जब अम्बिया अलैहिस्सलाम के मजारात को, रोजों को, सहाबे किराम के रोजों को शाम में और इराक के साहिली और जॉर्डन के सरहदी और इराक के सरहदी इलाकों के ऊपर जो उठाया गया, तो अब दुनिया की आंखें खुल रही थी कि किस किस्म के लोग थे कि जिन्होंने आले रसूल पर जुल्म और सितम उस जमाने में ठाए, और आज भी उनका वही किरदार, वही का वही करेक्टर, वही खवारिज, वही तकदीरी। इन्हीं अपने अलग अलग नाम जरूर रख लिए हैं, मगर इनका सबका मरकज मंबे और सर चश्मा एक है। आज इतनी जिल्लत और रुसवाई की सतह पे ये लोग पहुंच गए हैं, इन्हें शाम पर हमला कराने के लिए तो 3 अरब और इतने खरब डॉलर देने को तैयार है, दूसरे मुल्कों को कहा हमला करो, लेकिन जब फलस्तीनी बेचारे मजलूम मारे जा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई मुसलमान मुल्क उसकी मदद के लिए उसके खड़ा जड़े, इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि मुकद्दसात का जब एहतराम ही दिल से उठ गया और बाकी की तमीज मिट गई, और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि सबको उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। बिल्कुल, इसलिए हम पुरजोर एहतजाज हर साल करते चले आए हैं पूरी दुनिया में जहाँ भी होते हैं, हमें मालूम है कि एक ना एक दिन हमारी आवाज में असर पैदा होगा, और अब वो असर पैदा हो रहा है। जैसे आज पाकिस्तान में मैं आपको बताता चलूं, यकीन आपके इल्म में भी होगा, नहीं है तो मैं आपको इल्म में ला रहा हूँ, कि आज हर शहर में अहले सुन्नत बड़ी तादाद में निकल कर आए, और उन्होंने रैलियों में शिरकत की, उन्होंने जुलूसों में शिरकत की, क्योंकि अब बात आगे बढ़ गई है ना, बहुत आगे बढ़ गई है, वो समझ रहे हैं कि नौबत कहाँ तक जाएगी। लिहाजा इसलिए जन्नतुल बकी का ये दिन मनाना हम सब पर लाजिमी के, मैं इसको इस तरह याद रखे जैसे हम आशूरा को याद रखते हैं, मामूली बात नहीं थी। आले रसूल के रोजों को ढा दिया जाना, सहाबे किराम के रोजों को ढा दिया जाना, उम्मतुल मोमिनीन में से बाहर जो वहाँ मस्कून है उनके रोजों को ढा दिया जाना, ये कोई मामूली बात नहीं। तो आज अब वो आहिस्ता आहिस्ता एक पूरी आलमी आवाज बनती जा रही थी। बिल्कुल बेशक अल्लामा साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया, और ये सिलसिला इराक में जाहिर है अम्बिया इकराम की जो मज़ारात हैं उनको बिल्कुल उठाया जा रहा है, इस दौर में भी ये सिलसिला शुरू हो गया, तो इसको किस तरह रोका जाए और इनको किस तरह से हम मतलब रोका जाए और इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए एक बात हम आपको बताएं जी, कि जहां तक आवामी सतह की बात है ना जी, अब बहुत सारी चीजों को हमें उसके पस मंजर में देखना पड़ेगा जी। मसला सिर्फ निजाम अंबिया अलैहिस्सलाम के रोजों या सहाबा किराम के रोजों को ढाने का नहीं, बिल्कुल मसला ये कि आप देखिए प्लानिंग और मनसूबाबंदी देखें कि आवाम पूरे आलम इस्लाम की बिछानी एक तरफ है और पिट्ठू हुक्मरान एक तरफ है, बिल्कुल वसाई हुक्मरानों के हाथ में है, इख्तदार हुक्मरानों के हाथ में है, दौलत और फौज सब हुक्मरानों के हाथ में, और वो हुक्मरान एक तरफ खड़े हैं। लिहाजा जब तक इन पिट्ठुओं से जान नहीं छुड़ाई जाएगी, तो जो हम पर मुसलत है, इस्लामी मुल्कों पर मुसलत है, वही रुकावट बने हुए हैं। आज देख लें तो उसी का असर पड़ रहा है ना, फलस्तीन के आवाम जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है कि जब आप उनको फिरते वारियत में उछा दोगे, इराक को, पाकिस्तान को, सारी दुनिया को आपने पैसा दे दे के हमारे मुल्कों ने ना, हम दूसरों पे क्या इल्जाम करें, इस्लामी मुल्कों ने बिल्कुल जो इन लोगों ने किया, अब क्या हुआ कि कुछ साथ देने वाले, जब तक हम इस आवाज को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जैसे आज पाकिस्तान में मुजाहरे देखने में आए, तो शिया और सुन्नियों ने मिलकर वो मुजाहरे किए हैं, जब तक ये अब आवाज आगे नहीं बढ़ेगी, रुकावट मुश्किल है। रुकावट ऐसी नहीं कि कोई चंद लोग खड़े होकर इसको रोक लें, लेकिन हाँ जैसे जैसे शऊर बेदार हो रहा है, जैसे जैसे लोगों में आवाज यहाँ तक नौबत आ गई कि हर आदमी बात कर रहा है, कल इंशाल्लाह मुमकिन है कि 1-2 साल में इन पिट्ठों को उठा के फेंक दिया जाए, इनकी हुकूमत खत्म हो, हिजाज को आजाद हो, जब तक हिजाज आजाद नहीं होगा, यानी मक्का मदीना खयानतकारों के कब्जे से आजाद नहीं होगा, उस वक्त तक ये मसला हल होने वाला नहीं है, जब तक ये बैठे हुए यहाँ पे हिजाज पे कब्जा करके अपने अब्बा के नाम से सऊदी अरब बना के। जी अल्लामा साहब, मैं इस वक्त आपसे ये चाहूंगा कि आज के दिन के के हवाले से कोई पैगाम कौम के नाम आप देना चाहें तो। मैं यही अर्ज करूंगा कि जिस तरह साबित कदमी से हम वाकई करबला नहीं बल्कि उससे पहले से ये शिया ने हैदर कर्रार हर मुहाज पर डटे हुए हैं और अपने जख्मों को भुला कर जब भी दीन पर वक्त पड़ा है या इस्लाम पर वक्त पड़ा है तो हमने अपने जिस्म पर लगे हुए जख्मों को छोड़कर सबका साथ दिया है। आज भी मैं अपनी मिल्लत से अपील करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को अक्सरियत को हकीकत पता ही नहीं है, बिल्कुल क्योंकि हमने उनको बताया नहीं, बिल्कुल जब हम उनको हकीकत बताते हैं तो उनको पता चलता है। तो मेरी अपील है कि अपनी मजालिस अपनी महाफिल में इस पैगाम को आम करें कि हमारा मकसद महज और महज किसी मसलक या फिरके का
फरोग नहीं, हमारा मकसद और मसलक यह है कि मुसलमानों को साम्राज्य चंगर से नजात दिलाना है, सरजमीन मुकद्दस मजारात मुकद्दसा को हरम मुकद्दसा को इनके कब्जों से, जो आज के नए किस्म के जदीद किस्म के मुशरिकीन मक्का बैठे हुए हैं हमारे सरों पर, इनसे नजात हासिल करने के लिए प्यार और मोहब्बत से मुसलमानों की सफों में अपने असल जो पैगाम है अहले बैत का, उस पैगाम को फरोग देंगे आप तो फिर ये हमारी तहरीक आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। मैं इंतहाई मशकूर हूँ ममनून अल्लामा साहब आपका कि आपने इस मौके पे इंतहाई अहम पैगाम कौम के नाम दिया, और परवरदिगार आलम आपका साया हमारे सरों पर कायम दायम रखे, और बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। और ये थे अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब, और मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने इस वक्त और आज के दिन ऐसा खूबसूरत पैगाम कौम के नाम दिया, और इसमें जो है मैं सबसे शुक्रिया अदा करूँगा जनाब एक दफ़ा फिर जनाब हसन ज़फ़र नकवी साहब जो कि तर्जमान थे तर्जमान हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के और रिसर्च स्कॉलर भी हैं, और उन्होंने एक बिल्कुल खूबसूरत पैगाम कौम के नाम दिया। और इसी के साथ मैं जनाब सरदार अब्बास मैशर साहब आपसे वो जा चुके, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप जो हैं वो कलाम बीबी के हवाले से कोई पेश करें, क्योंकि इन्हदाम जन्नतुल बकी के हवाले से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। एक कथा पेश कर रहा हूँ, दो कथा पेश, एक उनकी शान में होगा और एक जी इसी हवाले से कब्र ज़ारा सल्लल्लाहु के हवाले से। नारे सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आशनाई है कलामुल्लाह की तफसीर से, तफसीर से चश्म पोशी है नुज़ूले आयतत ही से, चश्म पोशी है नुज़ूले आए तत्हीर से, बिज़ातों मिनी कहाँ सरकार ने महशर जिसे, बिज़ातों मिनी सरकार ने महशर जिसे, खबर उसकी आज भी महरूम है तामीर से, खबर उसकी आज भी महरूम है तामीर से। एक और कदम भी शान पे पढ़ रहा हूँ, निशान पे है यह बात जरा साहब सल्ला की, ख्वाहिश बेमिसाल करते हैं, ख्वाहिश बेमिसाल कर कमाल सुभान अल्लाह
कमाल करते हैं। दो मिसरे देखें कि दर पा फाका कशों के रूहुल आमीन, दर पा फाका कशों के रूहुल रोटियों का सवाल करते हैं, रोटियों का सवाल करते हैं। नरसरावाद। और हमारे साथ इस वक्त जो है कॉल पे हैं जो कि इंडिया से जनाब मौलाना शायर अहले बैत और मौलाना शरार नकवी साहब। मैं अपने इस प्रोग्राम में जनाब सैयद शरार नकवी साहब को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया जनाब। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इंडिया से इस प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं और ये प्रोग्राम इन्हदाम जन्नतुलबकी के हवाले से पेश किया जा रहा है और हम आपसे इस पर पैगाम भी लेना चाहते हैं और एक कलाम भी आपसे सुनना चाहते हैं। हाँ, मैं शेर भी आपकी समाअत के हवाले करता हूँ तमाम नाज़रीन की और जो लोग आपके साथ बैठे हैं जी उनके हवाले करता हूँ एक मतला और चंद शेर। सुभान अल्लाह। ज़मीर आदमियत पर हुकूमत फातिमा की है। क्या कहने। सुभान अल्लाह। ज़मीर आदमियत पर हुकूमत फातिमा की है। क्या कहने। ये कौसर फातिमा का है, ये जन्नत फातिमा की है। ये कौसर फातिमा का है, ये जन्नत फातिमा की है। दरे जहरा पा ये जोहरा ने आकर कर दिया साबित। क्या कहने। सुभान अल्लाह। दरे जहरा पा ये जोहरा ने आकर कर दिया साबित, जमी क्या है फलक पर भी हुकूमत फातिमा की है। क्या कहने। सुभान अल्लाह। जमी क्या है फलक पर भी हुकूमत फातिमा की है। फकत मक्का मदीना और नजफ पर मुनहसिर कब है। क्या कहने। फकत मक्का मदीना और नजफ पर मुनहसिर कब है, जमीने करबला भी तो रियासत फातिमा की है। क्या कहने। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जमीने करबला भी तो रियासत फातिमा की है। अभी तारीख के पस मंजर में शेर है। बदन में जोर जब पाया तो इनके घर चले आए। क्या कहने। सुभान अल्लाह। बदन में जोर जब पाया तो इनके घर चले आए, भला हम क्या मोहम्मद को जरूरत फातिमा की। क्या कहने। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भला हम क्या मोहम्मद को जरूरत फातिमा की है। अदब से दो जहां वाले जिसे शब्बीर कहते हैं। क्या कहने। अदब से दो जहां वाले जिसे शब्बीर कहते हैं, कसम मौलाए कंबर की वो दौलत फातिमा की है। क्या कहने। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कसम मौलाए कंबर की वो दौलत फातिमा की है। शरर नकवी सभी तूफान मुझसे खौफ खाते हैं। क्या कहने। सुभान अल्लाह। शरर नकवी सभी तूफान मुझसे खौफ खाते हैं, सबब बस एक है मुझ पर इनायत फातिमा की। क्या कहने। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सबब बस एक। बहुत शुक्रिया हजरत का। बहुत बहुत शुक्रिया। सबब बस एक है मुझ पर इनायत फातिमा की है। मैं खास तौर से आप लोगों का और हमारे इमरान नकवी साहब का और पूरे हिदायत चैनल से जो लोग भी वाबस्ता हैं उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और मुझे इस बात की बड़ी मसर्रत है कि आप लोगों ने हिंदुस्तान के लोगों से भी कांटेक्ट किया और आप ये पैगाम आलमी पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं और हम सारे लोग आपके साथ हैं, सारे हिंदुस्तान के लोग और बल्कि जहाँ जहाँ शियत है, जहाँ जहाँ इंसानियत है, वो सारे लोग हिदायत टीवी से जुड़े हुए हैं। आज की तारीख जो गुजरी है 8 शवाल 1345 हिजरी में शहजादी जनाब जहरा सलामुल्लाह अलैहा के रोजे को मुनहदिम कर दिया गया। ये एक बड़े अफसोसनाक बात है, बड़े गम की बात है। इसमें सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि वो लोग इसका गम मनाएं कि जो शिया कहलाते हैं, इस नाशाई कहलाते हैं,
ये दर्दनाक मंजर उन लोगों के लिए भी गम का एक मैसेज है, गम का एक पैगाम है जो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। बिल्कुल सही। शहजादी रसूलुल्लाह की पारह जिगर हैं, और बड़ी मशहूर हदीस अभी इससे पहले कोई साहब कलाम पढ़ रहे थे, वो हदीस पढ़ी उन्होंने, नबी अल्लाह फरमाते हैं फातिमा तो बजातो मिन्नी, फातिमा मेरा पारह जिगर है। बेशक। और शहजादी सलामुल्लाह अलैहा ने जो मैसेज दिया है, जो पैगाम दिया है, हमें जरूरत नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोई बात करें। शहजादी ने अपनी जात से जो मैसेजेस दिए हैं, जो पैगामात दिए हैं, वो बड़े अजीम हैं। मौला हसन अलैहिस्सलाम एक रोज अपनी वालिदा गिरामी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से सवाल करते हैं कि अम्मा, आप नमाज में अपने लिए दुआ नहीं करती बल्कि आप पहले गैरों के लिए दुआ करती हैं। क्या कहने? तो शहजादी फरमाती हैं कि बेटा हसन, अलजारो सुम्मदार, पहले पड़ोसी फिर अपना घर। क्या कहने? क्या ये एक हसीन मैसेज है। ये नहीं कहा उन्होंने कि पहले शिया बाद में सुन्नी, पहले शिया बाद में हिंदू, पहले शिया बाद में यहूदी, पहले शिया बाद में ईसाई, किसी मजहब की कैद नहीं। पहले पड़ोसी है और उसके बाद हम हैं। अब पड़ोसी में कोई भी पड़ोसी हो, क्योंकि हमारा मजहब पहले हमें इंसानियत का सबक देता है, बाद में हम मजहब की बात करते हैं। और शहजादी के हवाले से मैं बहुत जल्दी जल्दी से अपनी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं होती है। शहजादी का कमाल ये है कि शहजादी जब एक बेटी की शक्ल में आती हैं तो नबी को कहना पड़ता है कि फातिमा मेरा पारा जिगर है। क्या कहें? और शहजादी जब बीवी की शक्ल में आती हैं तो अली को कहना पड़ता है कि जिंदगी गुजर गई मगर फातिमा ने मुझसे कोई फरमाइश ना की। क्या कहें? शहजादी जब माँ के अंदाज में सामने आती हैं तो बेटों को जन्नत के जवानों का सरदार बनाती हैं, और बेटियों के सर पर वो रिदा डालती हैं जो इस्लाम के सर को आज तक ढांपे हुए हैं। बेशक, बिल्कुल। कमीज को इस दर्जा आली बनाया है शहजादी ने, बिल्कुल, कि फिजा ने 20 साल तक सिर्फ कुरान से गुफ्तगू की है। क्या कहना, बिल्कुल। पर्दा इतने, आजकल पर्दे का मसला सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि सारी दुनिया में सामने आ रहा है। हमें शहजादी की, हमारी माओ बहनों को शहजादी की सीरत पर अमल करना है, उनकी सीरत को अपने सामने रखना है। शहजादी का पर्दा कितने कमाल पर था, दो जुमलों की रिवायत में आपको सुनाता हूँ। इतने कमाल पर था कि शहजादी के दौलत कदे में एक नाबीना शख्स दाखिल हुआ तो शहजादी ने खुद को पर्दे में कर लिया। किसी ने कहा शहजादी ये आने वाला तो नाबीना है, शहजादी ने फरमाया मगर मैं तो इसको देख सकती हूँ। क्या कहने? ये पर्दे का कमाल सिखाया है शहजादी ने, पर्दे की मेराज बताई है शहजादी ने। बताना ये चाहती हैं कि ना आप किसी नामहरम को देखें और ना आपको कोई नामहरम देखे। क्या कहने? सुभान अल्लाह। इंडिया की तरफ से और इंडिया से आपने इस प्रोग्राम में वहाँ की इंडिया की जो है नुमाइंदगी की, और मैं इंतहाई दिल की गहराइयों से आपका मशहूर और ममनून हूँ। और ये थे जनाब मौलाना शहरयार नकवी साहब इंडिया से, और इन्होंने इंतहाई अच्छा कलाम भी सुनाया और इंतहाई अच्छा पैगाम भी कौम के नाम दिया। और ये फितना गर सऊदी सिपाही या तालिबान, ये फितना गर सऊदी सिपाही या तालिबान, बचकर कहाँ पे जाएंगे तेगे इमाम से। खुद मौत कह रही है ज़रा गौर से सुनो, खुद मौत कह रही है ज़रा गौर से सुनो, अब्बास लेकर आई हूँ मुजरिम में शाम से। और ये ज़ाहिर है जो मुजरिमों को शाम से ले जाया जा रहा है वो ज़ाहिर दीदी का वो है। और मैं आपसे चाहूँगा कि आप एक कलाम और जो है पेश करें। जी बिल्कुल, जी 5-6 अशआर पेश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, नारा सलावात, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा का उतरा है दर पर कलाम ज़हरा के, खुदा का दर पर कलाम ज़हरा
रखे पिसर मकाम है ग्यारह इमाम जहरा पिसर मकाम है ग्यारह इमाम जहरा के देखे यही सबब है के उम्मुल इमाम है जहरा यही सबब है के उम्मुल इमाम है जहरा अरे तमाम बेटे हैं जहरा मकाम जहरा के तमाम बेटे हैं जहरा मकाम जहरा के और झूलाए झूला कभी चक्कियां चलाई कभी क्या कहने सुभान अल्लाह झुलाए झूला कभी चक्कियां चलाई कभी मलाइका ने किए कितने काम जहरा के मलाइका ने किए कितने काम जहरा के पिदर रसूल है शौहर अली पिसर हसन पिदर रसूल है शौहर अली पिसर हसने खुदाई जाने हैं कितने मकाम जहरा के खुदाई जाने हैं कितने मकाम जहरा के सुभान अल्लाह लिबास खुल से लाए फलक मकाम मलक लिबास खुल्द से लाए फलक मकाम मलक सितारों ने किए घर में कयाम सितारों ने किए घर में कयाम जहरा के मतलब समझ फरमाए सुभान अल्लाह हुई जो मद जहरा आशना महशर हुई जो मद हाँ मेरी जहरा आशना महशर कलाम मैंने किया अपना नाम जहरा के कलाम मैंने
किया अपना नाम जहरा के खुदा का उतरा है दर पकलाम जहरा के बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। अब इस वक्त जो है ज़ाहिर है टाइम बहुत तेज़ी से गुजर जाता है हमारे प्रोग्राम में और पता नहीं चलता, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आपने एक जो ताज़ा कलाम लिखा है पार रोने के ऊपर, मैं वो चाहूँगा कि वो ज़रूर आप पेश करें क्योंकि बिल्कुल आपका ताज़ा कलाम है और उस कलाम को ज़ाहिर है उसमें जो आपने उसके बारे में बताया है वो इंतहाई अहम है, तो मैं चाहता हूँ कि वो आप कलाम पेश करें। इस कलाम में मैंने क्या कहने साबित किया रोना, क्योंकि रोने को बिदत कहा जाता है जी बिल्कुल, लेकिन रोना क्या है और कौन कौन कहाँ रोया क्या कहने क्या ये कहने? मैंने जाहिर किया है। सुभान अल्लाह, समाज फरमाई सुभान रोनो गमे हुसैन में ऐने सवाब है क्या कहने रोना क्या कहने सुभान अल्लाह रोना गमे हुसैन में ऐने सवाब है हाजिर मेरे कलाम में इसका जवाब है कहने सवाब है हजरत आदम साहब शुरू कर रहा हूँ कि आदम से इब्तिदाए दलील खिताब है जिनके शरफ से आदमियत फैज़े याब और जिनकी जब पनूरे रिसालात मआब है रोना गमे हुसैन में ऐने सवाब है हवाला दे रहा हूँ मैं के जन्न से जब जमीन पे आए अबुल बशर आँखों से अश्क हो गए जारी जमीन पर रोया ना आज तक कोई रोए वो जिस कदर रोने से हक ने कर दिया तकसीर दरगुजर जाहिर हुआ के रोना निजाते अताब है रोना गमे हुसैन में ऐने सवाब है एक और हवाला देखिए सुभान अल्लाह कि याकूब को जो मर गए पिसर की खबर हुई क्या कहने सुभान अल्लाह हर सुबह शाम रोने में उनकी बसर हुई बेनूर उनके रोने से यकसर नजर हुई अजोफ़ गम पिसर में खमीदा कमर हुई महवे बुका खुदा का नबी क्यों जनाब है क्या कहने
غم حسین میں عین ثواب ہے. ایک اور حوالہ دیکھیں, سبحان اللہ, کہ دنیا سے جب حبیب خدا کا گزر ہوا, کیا کہنے, سبحان اللہ, اور دن رات رو کے فاطمہ نیک کر دیا, حتی علی سے اہل محلہ نے یہ کہا کہ ہم فاطمہ کے رونے سے عاجز ہیں مرتضیٰ, گریا کنا کیوں بنتے رسالات مآب ہے, رونا غم حسین میں عین ثواب ہے. آخری بندے مقتے کے پہلے, کہ مشہور ہے شہادت حمزہ کا واقعہ, رشتے میں جو رسول معظم کے تھے چچا, ہندان جس جری کا جگر تھا چبالیا, اس واقعہ پہ رویا کیے برسو مصطفیٰ, اس واقعے پرویا کیے برسو مصطفیٰ, کیا پاس آپ کے کوئی اس کا جواب ہے, رونا غم حسین میں عین ثواب ہے. مختصر فرمائیں, سبحان اللہ, ظاہر ہر ایک بشر پہ ہے رونے کا فلسفہ, بدعت اگر ہے رونا تو روئے کیوں انبیاء, فرمائیں غور آپ جو محشر نے ہے کہا کہ رونا دلیل عشق ہے پیمانہ وفا, کیا میری ان دلیلوں سے بھی جتناب ہے, رونا غم حسین میں عین ثواب ہے. اور بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے یہ لکھا اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھا, اور میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام لکھا بھی اور پڑھا بھی, اور یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے یہ پہلی دفعہ میرے اس پروگرام میں یہ کلام پڑھا. اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک لائیو کال جو ہے, لائیو کالز پہ جناب کوئی مہمان ہے. السلام علیکم. السلام علیکم, میرے خیال سے کہ لائیو لائن جو ہے ڈراپ ہو گئی, اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ ان کو اس میں جو ہے کافی دیر لگی اور تاخیر ہوئی, اور وہ کافی دیر تک ہمارے ساتھ لائن پہ موجود رہے, لیکن کیونکہ کلام اتنا اہم اور اتنا خوبصورت جناب سردار محشر عباس پیش کر رہے تھے, اور میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے, اور آپ نے خصوصی شرکت ظاہر دوسری دفعہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے. پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے, اور جس خوبصورت انداز میں آپ کلام پڑھتے ہیں وہ انتہائی اہم اور وہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ پاکستان میں جو ظاہر آپ جانے والے ہیں, تو میں ہم سب کی
हमारे इदारे की हिदायत टी वी की और हमारी तमाम टीम की दुआएं आपके साथ हैं। परवरदिगार आलम आपको सलामत रखे। और नाज़रीन, ये हमारा प्रोग्राम जो कि इन्हदाम जन्नतुल बकी के हवाले से पेश किया गया, और इसमें जो उलमा ने गुफ्तगू फरमाई उनमें अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब भी, आपने उनका भी जो है वो सुना, और अशरार जनाब मौलाना अशरार नकवी साहब जो हमारे सैयद अशरार नकवी साहब जो कि इंडिया से हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हुए, हम उनके भी मशकूर और ममनून हैं कि वो हमारे इस प्रोग्राम में आए, और उन्होंने भी बहुत ही खूबसूरत कलाम भी पेश किया और बहुत ही खूबसूरत एक मैसेज और जो है जो उन्होंने दिया वो बहुत ही अहमियत का हामिल था आज के दिन के हवाले से। और मैं एक दफ़ा फिर आपसे आपका मशकूर हूँ। और नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपके साथ फिर मुलाकात होगी, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने कहा। अभी इस टी वी का, हिदायत टी वी को और जनाब इमरान नकवी को बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने मुझे मौका फराहम किया। अल्लाह हिदायत टी वी को और भी फरोग़ अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। कहते हैं कुछ ऐसी।